हेलो एवरीवन गाइस आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखने वाले हैं अगर आपको ये रिजल्ट पेपर में याद होगा तो आप डायरेक्ट ही जो क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम उस रिजल्ट को देख लेते हैं क्या है ठीक है तो हमें पता है क्या कि किसी भी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी

ठीक तो इसके कितने रूट होंगे दो रूट होंगे तो अगर मैं एक रूट अल्फा मान लेता हूँ और दूसरा रूट क्या मान लेता हूँ बीटा मान लेता हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ओके तो एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा मैंने बीटा मान लिया ठीक है तो पेपर में क्या होगा आपको क्वेश्चन दिया होगा क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या कि दिया होगा इफ वन रूट

बिटवीन ए बी एंड सी ओके तो पेपर में क्वेश्चन क्या दिया होगा क्वेश्चन दिया होगा क्या इफ़ वन रूट ऑफ अ क्वाडिटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इन टू एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ़ टू टाइम्स ऑफ द अदर रूट फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या ए बी एंड सी यानी आपको एक क्वाडिटिक इक्वेशन दिया होगा जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सीज इक्वल टू जीरो ओके इसके दो रूट होंगे ठीक है लेकिन पेपर में क्या दिया होगा कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का कितना टाइम्स है टू टाइम्स है तो अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होगा तो आप ए बी सी के बीच में रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं जैसे मुझे पता है डायरेक्ट रिलेशन तो अगर ये क्वेश्चन मैं देखूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी ये आपका रिलेशन आ जाएगा लेकिन मैंने कैसे किया यही हम आपको बताएंगे ठीक है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसके दो रूट्स होंगे एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा एक क्या दिया है इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू टाइम्स ऑफ द अदर रूट तो सबसे पहले इस हम स्टैंडर्ड इसका प्रूफ देखते हैं इसके बाद उस प्रूफ से एक रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को देख लेते हैं ठीक है अब देखिए हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ओके तो जो सम ऑफ रूट्स होगा यानी जो अल्फ़ा और बीटा होगा वो कितना होगा आप कहेंगे एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओके और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा एल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म बाई कॉबसियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाई ए ठीक है तो हमें क्या क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा तो हमें रिलेशन फाइंड करना है ए बी और सी के बीच में ओके ये हमें पता है लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें ठीक आप देखिए अगर मैं इसका एक रूट अल्फा मान लूँ और दूसरा रूट एन टाइम्स तो अल्फा मान लेता हूँ यही दिया क्वेश्चन में टू टाइम्स लिया तो यहाँ हम स्टैंडर्ड प्रूफ कर रहे हैं तो इसको मैं n टाइम्स ऑफ अल्फा मान लेता हूँ क्या n टाइम्स ऑफ अल्फा यानी एक रूट अल्फा है दूसरा n अल्फा है तो जो सम ऑफ रूट होगा क्या होगा अल्फा प्लस n अल्फा बराबर माइनस -b/a ठीक अब यहाँ से क्या करेंगे अल्फा कॉमन ले लेंगे 1 n का b/a ओके अब यहां से क्या होगा कि वन प्लस एन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए और यहाँ ब्रैकेट में एन प्लस वन हो जाएगा ये हमें मिला अल्फ़ा बराबर माइनस का बी बाई ए इंटू एन प्लस वन ओके इसी तरह के इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा इंटू यहाँ पर आई थिंक विजिबल होगा इसको मैं रफ कर देता हूँ अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट देखूँ तो क्या होगा एल्फ़ा इंटू एन टाइम्स ऑफ एल्फा क्या एल्फ़ा इंटू एल एन एल्फ़ा क्या होगा सी बाई ए होता है ठीक है इसके बाद एल्फा इंटू एल्फ़ा एल्फा स्क्वायर और एन लग जाएगा सी बाई ए क्या हो जाएगा एन इंटू एल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए अब क्या करेंगे यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है उसको वहाँ पर रख देंगे ठीक है यहाँ पर जो एल्फ़ा की वैल्यू निकली है उसको हम यहाँ पर रख देंगे रख देते हैं अल्फा की जगह क्या रख देते हैं माइनस बी बाई ए इंटू एन प्लस वन एन इंटू एक मिनट इसको मैं जरा रफ कर दूं ओके तो यहां क्या मिला है प्रोडक्ट ऑफ रूट से एन एन अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए ठीक है अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बी ठीक है माइनस बी बाई ए इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए ठीक है तो एन यहाँ हो जाएगा और माइनस बी का माइनस बी का स्क्वायर बेसिकली बी स्क्वायर होगा ठीक है एन इंटू बी स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर और एन प्लस वन का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा हमने क्या किया है सम ऑफ़ रूट से अल्फा की वैल्यू निकाल ली है फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया है यानी रख दिया है तो यहाँ से एक रिलेशन आया एन इन टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ओके इसके बाद देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ ए ए एक बचेगा ए बचेगा ठीक है अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका इस साइड इसका इस साइड अब यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू सी और यहाँ बनेगा क्या एन बी स्क्वायर ये बना ठीक है आप क्या करेंगे हो गया ये आपका स्टैंडर्ड प्रूफ जो आएगा क्या आएगा एन बी स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी ये जो रिजल्ट निकल के आया आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्या एन बी स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी क्या एन बी स्क्वायर बराबर ए इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू सी ये अगर रिजल्ट आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको रख देंगे और यहाँ पर ए बी सी क्या है कॉपियंट है क्या क्या एक्स के और एन क्या है कितने टाइम्स है रूट बेसिकली ठीक है जैसे अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जो रूट्स हैं वो टू टाइम्स है क्या कहें टू टाइम्स तो एन बराबर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा एन बराबर टू तो जब आप यहाँ पर एन बराबर टू रखेंगे तो मैं रख देता हूँ एन बराबर टू टू बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर टू रखूंगा तो टू प्लस वन थ्री थ्री का स्क्वायर हो जाएगा nine, nine into ac. आपका नाइन बराबर नाइन इंटू ए सी ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया उस क्वेश्चन का आंसर टू बी स्क्वायर बराबर नाइन ए सी ठीक है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा आप लोगों को ये जो मैंने प्रूफ किया है वो समझ में आ गया होगा ठीक है यहाँ से ये रिजल्ट आया अब बेसिकली हम ये देख लेते हैं ना कि इससे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या क्या होगा और हम उसका सल्यूशन कैसे कैसे जल्दी करेंगे ओके अब जैसे अब जैसे पेपर में क्या क्वेश्चन दे दिया गया इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज आई लेट से थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स ऑफ द अदर रूट ऑफ द अदर रूट ठीक देन फाइंड द रिलेशन या तो देन तक ही रहेगा ठीक है क्योंकि आप जो भी देंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा जहाँ पे चार ऑप्शन दिए होंगे ठीक है इसके बाद ऑप्शन क्या क्या दे देगा ऑप्शन में लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी थ्री टाइम्स है ओके तो यहाँ लिख देता हूँ टू बी स्क्वायर बराबर नाइन ए सी यहाँ रख देता हूँ क्या आ, फोर ए स्क्वायर बराबर सोलह ए सी यहाँ मैं रख देता हूँ फाइव बी स्क्वायर बराबर ट्वेंटी ए बी सी और तीसरा क्या लग देता हूँ क्या क्या थ्री बी स्क्वायर बराबर सोलह ए सी ठीक है क्वेश्चन ये होगा क्या इफ़ वन रूट ऑफ ए क्वाटिटिक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो इस थ्री टाइम्स ऑफ द अदर रूट देन चार ऑप्शन आपको दिए होंगे ऑप्शन ए बी सी डी और आपसे इसमें करेक्ट टिक करना है तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा क्या जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया क्या एन स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी ये है डायरेक्ट रिजल्ट क्या एन इंटू बी स्क्वायर बराबर एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी एन क्या होगा बेसिकली कितने टाइम से रूट तो कितने टाइम से थ्री है तो यहाँ पर मैं थ्री रख देता हूँ थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर थ्री प्लस वन फोर चार का स्क्वायर बना सोलह सोलह ए सी क्या आंसर आ गया थ्री बी स्क्वायर बराबर सोलह ए सी तो इस ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन नंबर डी थ्री बी स्क्वायर बराबर सोलह ए सी यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा थ्री इंटू बी स्क्वायर बराबर सिक्सटीन इंटू ए सी ओके इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी दे सकता है लेट से आपको 11 दे दिया अब आप इलेवन दे दिया तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो आप रख देंगे कि एलेवन इलेवन बी स्क्वायर और यहाँ पर इलेवन प्लस वन ट्वेल्व और बारह का स्क्वायर कितना होता है आपका वन फोर्टी फोर होता है ठीक वन फोर्टी फोर इंटू ए सी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इलेवन बी स्क्वायर बराबर वन फोर्टी फोर ए सी तो बेसिकली हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही लग जाए आपको सम और प्रोडक्ट का फार्मूला ना लगाना पड़े ठीक है तो आई थिंक आपको ये जो मैंने प्रूव किया है जो रिजल्ट हमने निकाला है वो आप याद कर लीजिए इसका बहुत ही कम काम पड़ता है लेकिन याद रहना ज़रूरी है ठीक है तो आई होप आपको ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय